हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज़ में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये है सूरत और आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब अभी ना रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं, पर यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये है यहाँ का सबसे फेमस जो टेक्सटाइल मार्केट है, और इसमें ना रिटेल में भी कपड़े मिलते हैं M2 यानी कि M2। तो बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। और ये है रिंग रोड यहाँ की, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है सूरत में रिंग रोड। तो जो भी आपको कपड़े वगैरह ख़रीदने होते हैं, सब लोगों को यहीं पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर जो लोग मार्केट का नाम भी जानते हो, तो रिंग रोड पे अधिकतर जो भी मील वगैरह है कपड़ों की, वो सब यहीं पे है रिंग रोड पे ही। तो आज हम तो गाइस बहुत ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में, क्योंकि हम भी यहाँ पे अभी नए ही हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे चीज़ों का पता लगेगा, वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो अभी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो जो चीज़ें हमने देखी है, वो सब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और गाइस, ये है यहाँ का बस स्टॉप, और आप 10:30 बजे भी मतलब यहाँ पर भीड़ देख रहे हो। और अभी तो मतलब एक बस निकल गई है जिसमें कि थोड़ी बहुत पब्लिक जा चुकी है, लेकिन भीड़ सच में बहुत ज़्यादा रहती है। और ट्रैफिक यहाँ का बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। बस स्टॉप मतलब बहुत बड़ा बस स्टॉप नहीं है ये, जो मतलब छोटे छोटे स्टॉप होते हैं वही है, लेकिन भीड़ तो मतलब क्या ही बोल सकते हो। और आप देखो 10:30 बजे भी ट्रैफिक है, आप कभी भी आ जाओ। अब 10:30 बजे भी आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो ये हाल है। और थोड़ी दूर भी जाओ तो भी लगता है कि यार मतलब आधा एक घंटा तो कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो बस यही है यहाँ का हाल, और अब देखते हैं आगे जाके। तो गाइस, अभी हम जाएंगे रिलायंस मार्ट, और हमें देखनी है मूवी, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पे भी पता नहीं कैसी भीड़ है भी कि नहीं है, पता नहीं क्या हाल होगा। तो ये ना हमें मतलब सर्किल पे जहाँ से घूमे थे ना, वहीं पे था, लेकिन वही है ना कि ट्रैफिक के लिए इतना घूम के और आना पड़ता है। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है आइनॉक्स, तो इसमें देखनी है। तो आप बाहर से इसका व्यू देख सकते हो, लेकिन अंदर जाने के बाद ना इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी अभी, और खाली था तो ठीक है। लेकिन जब मूवी देखेंगे, अब इसके ना एकदम अपर फ्लोर पे है जो आइनॉक्स है वो, तो अभी वहाँ जाना होगा। गाइज, हम पहुंच चुके हैं एटलीस्ट इसके फाइनल फ्लोर पे, और देखते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और कितनी नहीं है। लेकिन गाइज, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अधिकतर तो लोग ऑनलाइन टिकट ले ही लेते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। और काफ़ी अच्छा, अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा और काफ़ी अच्छा मॉल भी है ये, तो अच्छी जगह है और मूवी देखने के लिए ठीक है। और आज ना मतलब अभी थोड़े लेट आए हैं, तो शायद भीड़ नहीं है उतनी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारी टिकट आ चुकी है, और अब चलते हैं अंदर। तो तो गाइस, बैठ चुके हैं हम अब फाइनल अपनी जगह पे, और मूवी बहुत ही अच्छी थी। और गाइस, ये क्लिप ना बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी यानी कि 8-10 दिन पहले की है। और अब भी आज हम, और गाइस आज हमें लेना था मोबाइल, तो हम आए हैं मोबाइल की शॉप पे। और आपको ना इस पे मोबाइल का नाम दिखेगा, जिसकी कि रील वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल होती है और बहुत ज़्यादा फॉलोवर है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी शॉप से हमने ये मोबाइल लिया है। और गाइस, इनकी रील्स वगैरह जो होती है
वो इस पे होती है कि भाई मोबाइल हम इतना सस्ता दे रहे हैं, ये है वो है, बाकी हमने लिया था वो मोबाइल आप देख भी चुके हो, मैंने ये वाला लिया था और इस पे ना ये ऑनलाइन भी सेम प्राइस पे मिला और यहाँ पे भी हमें सेम ही प्राइस मिली है, बिल्कुल भी एक भी रुपया इन्होंने कम नहीं किया है। सिर्फ एक ये स्क्रैच कार्ड देते हैं जिसमें बोलते हैं कि 100 रुपये से और 5000 तक कुछ भी मतलब निकल सकता है, लेकिन उसमें निकलता 100 ही है। जितने भी हमारे साथ और भी लोगों ने लिया था जो कि शॉप पे थे, तो सबके 100-100 रुपये निकल रहे थे, किसी के भी 5000 नहीं निकल रहा था। तो वही ये सेम प्राइस पे ही मिला है और शॉप का नाम आप देख सकते हो। और फिर जब मैंने इनको बोला कि मैंने आपका अकाउंट भी फॉलो किया हुआ है भैया, तो फिर इन्होंने एक स्मार्ट वॉच ऐसे वो भी शायद 300-400 रुपये की मिल जाती है, ऑनलाइन ले सकते हो, तो बस वो वाली देखे। और ये बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं, इनकी रील्स अगर आप लोगों ने देखी होगी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग फेंकते हैं। और ये शॉप इस जगह पे है, ये आप देख सकते हो पोदार आरकेडी, तो ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और यहाँ पे भी गणपति बिठाए हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइज आज लास्ट डे है गणपति का, अब कल विसर्जन हो जाना है, तो आज हमारी बिल्डिंग में आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे पटाखे वगैरह चलाए थे क्योंकि गणपति जी कल जाने वाले हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इधर, ये आप सुन सकते हो। और अभी ना टाइम ऑलमोस्ट 12 o'clock हो रखा होगा, आप देख भी सकते हो कि बिल्डिंग में अधिकतर लाइटें ऑफ हो चुकी है। और यह है गाइस ग्राउंड फ्लोर पे, आज विसर्जन का दिन है तो गणपति जी का आज विसर्जन होने वाला है, उसी के लिए ये ढोल नगाड़े सारे बज रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करना, ताकि मेरे और भी जो आने वाले वीडियो जो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। एंड गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको सूरत में किस चीज़ की वीडियो देखने हैं, जैसे मटीरियल वगैरह के या फिर घूमने वगैरह की जगहों के, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, मैं वैसे वीडियो आप लोगों को बना के और कोशिश करूँगी कि आप लोग साथ शेयर करूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे जो जो कमेंट आएंगे उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की और उनके बारे में और अच्छे से डिटेल में वीडियो आप लोग साथ शेयर करूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गाइस आज जो गणपति विसर्जन किए हैं वो यहीं पे बिल्डिंग में आप देख सकते हो, ये मतलब ड्रम टाइप में पानी भर के और इसी में विसर्जन किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे अधिकतर विसर्जन इस तरीके से कर लेते हैं घर पे। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है उनका तो यहाँ पे जो समुद्र वहीं पे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन।